हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और जब कभी भी किसी लोकतांत्रिक देश में कोई पॉलिसीज़ बनाई जाती है सरकार की तरफ से या कोई नीतियाँ बनाई जाती हैं तो उसका समर्थन भी किया जाता है कुछ लोगों द्वारा और उसका विरोध भी किया जाता है। और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि लोकतांत्रिक देश में पावर जो है वो जनता के पास में होती है, और ये ज़रूरी नहीं कि सरकार की तरफ से जो पॉलिसीज़ बनाई गई हैं वो सही ही हो, और ये भी ज़रूरी नहीं कि सरकार ने जो पॉलिसी बनाई है वो गलत ही हो। तो इसीलिए उसका समर्थन भी होता है, विरोध भी होता है, और लोकतंत्र में ऐसा होना चाहिए और ऐसे होते रहता है। लेकिन जब कभी भी बात अगर सीमा विवाद से संबंधित हो, देशभक्ति से संबंधित हो, संप्रभुता की बात हो, तो चाहे वो लोकतांत्रिक देश हो चाहे वो राजतंत्र वाला देश हो, वो पूरा देश एक साथ खड़ा दिखाई देता है। और हमारा देश इस मामले में सबसे अव्वल आप कह सकते हो कि जब कभी भी बात अगर सीमा विवाद, देशभक्ति या फिर संप्रभुता की होती है तो कोई विरोध नहीं होता है, सब के सब एक साथ खड़े दिखाई देते हैं। और एक कई बार एग्जांपल प्रस्तुत भी किया गया है, अगर मौका मिल जाए हर इंडियन को तो वो सीमा विवाद पे भी पहुंच जाए लड़ाई लड़ने के लिए सेना के साथ में मिलकर। और सेना के लिए हमारे दिल में कितनी इज्जत है, सेना के लिए हमारे दिल में क्या जगह है, ये सब हम बहुत अच्छी तरीके से अनुभव करते हैं। तो आज के दी करेंट अफेयर्स शो में जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो सेना से संबंधित ही है। वो टॉपिक क्या है आगे मैं बताऊंगा, लेकिन हालिया के दिनों में, पिछले कुछ दिनों में किस प्रकार से हुआ इस बात को आप समझ सकते हो। मैंने शुरुआत में लोकतांत्रिक देश की बात की। लोकतंत्र का मतलब होता है कि अगर सरकार की तरफ से कोई पॉलिसीज़ बनाई गई उसका विरोध भी हो रहा है, उसका समर्थन भी हो रहा है। लेकिन अगर बात देश की आ जाए, बात अगर यहाँ पर सीमा विवाद हो या फिर किसी और तरह का विवाद हो, तो पूरा देश एक साथ खड़ा दिखाई देता है। पिछले कुछ दिनों से जो इंडिया चाइना के साथ में जो डिस्प्यूट चल रहे थे लद्दाख में गलवान घाटी को लेकर, वहाँ पर जिस प्रकार से जो भी झड़प हुए और चाइना पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा था, तो हमारे देश में, हमारा जो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जिस प्रकार से हमने सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के तौर पर जिस प्रकार से यूनिटी दिखाया और जिस प्रकार से चाइनीज़ प्रोडक्ट का बाइकॉट किया और सरकार के फैसले जो कि 59 ऐप को बैन किया गया था उसका समर्थन किया, उसके बाद चाइना कहीं ना कहीं प्रेशर में आकर अपने सैनिकों को पीछे हटा ले गया। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि लोकतांत्रिक देश हम हैं, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हैं, तो सबसे बड़ा यूनिटी भी हमारे पास है। तो अब भारतीय सेना से संबंधित हमारे पास आज का सबसे बड़ा न्यूज़ है दी करेंट अफेयर्स शो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दी करेंट अफेयर्स शो। तो जैसा मैंने आप लोगों को बोला कि आज के दी करेंट अफेयर्स शो में जो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो भारतीय सेना से संबंधित है। भारतीय सेना ने हाल ही में 89 मोबाइल एप्लीकेशंस पर बैन लगा दिया है। इससे पहले भारत सरकार ने 59 चाइनीज़ मोबाइल एप्लीकेशन पर बैन लगाया था। कहीं ना कहीं चाइना पर प्रेशर पड़ा, मैं आपको बताया कि चाइना पर प्रेशर पड़ा और उसकी वजह से भी आप गलवान घाटी में देख सकते हो कि चाइना कहीं ना कहीं पीछे हटा है। तो इस 59 चाइनीज़ मोबाइल एप्लीकेशन पर बैन लगाने के बाद अब इंडियन आर्मी ने भी, भारतीय सेना ने भी 89 मोबाइल एप्लीकेशन पर बैन लगाया है। अब यहाँ पर एक बात समझने योग्य ये है कि 89 मोबाइल एप्लीकेशन जिस पर बैन लगाया गया है उसमें सिर्फ चाइनीज़ एप्लीकेशन नहीं है, और भी कंट्रीज़ के एप्लीकेशंस भी इसमें शामिल हैं, इस बात को ध्यान देना होगा। इसके बाद इस बात को भी आप ध्यान दीजिएगा कि जिस मोबाइल एप्लीकेशन पर भारतीय सेना ने बैन लगाया है वो आपके लिए और हमारे लिए नहीं है, ये सिर्फ भारतीय सेना पर लागू होने वाला है। और ख़ास बात यह है कि जिस मोबाइल एप्लीकेशन पर बैन लगाया गया है उसमें आपका फेसबुक भी आ जाता है, टिकटॉक तो पहले ही बैन हो चुका है, इंस्टाग्राम आ जाता है, ट्रू कॉलर भी आ जाता है। तो जो इम्पोर्टेंट मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, सोशल मीडिया के जो इम्पोर्टेंट मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, उस पर भी बैन लगाया गया है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि भारतीय सेना ने आखिर इन मोबाइल एप्लीकेशंस पर बैन लगाया क्यों? तो जवाब सिर्फ एक है, इंटरनल सिक्योरिटी रीज़न की वजह से इन मोबाइल एप्लीकेशन पर भारतीय सेना ने बैन लगाया है। और इन 89 मोबाइल एप्लीकेशंस का इस्तेमाल अब भारतीय सेना का कोई भी सदस्य नहीं कर पाएगा।
तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 89 मोबाइल एप्लीकेशन का नाम आप लोगों को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना समझ लीजिएगा कि भारतीय सेना ने 89 मोबाइल एप्लीकेशंस को बैन किया है। ठीक है, चलिए इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा, वो है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से रिलेटेड। कैबिनेट ने एक फंड को इस्टेब्लिश किया था आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत, और इस फंड में पहले भी पैसा डाला जाता था, लेकिन पहले इस फंड का नाम अलग हुआ करता था, एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर को लोन देने के लिए। भारत सरकार की तरफ से यह फंड पहले से ही है, लेकिन आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एक एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को इस्टेब्लिश किया गया था, जिसमें फंड डाला जाना था, उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट करने के लिए यहाँ पर लोन देने के जो प्रोविजंस थे उसको रखा गया था। अब इस पर कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया गया है, और कितने करोड़ रुपए का फंडिंग होगा इसमें एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में, तो वो होगा 1,00,000 करोड़ रुपये का। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए, ध्यान रखिएगा कि हाल ही में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में यानी कि कृषि अवसंरचना कोष में हाल ही में 1,00,000,000 रुपये फंड की मंजूरी सेंट्रल कैबिनेट की तरफ से दे दी गई है। चलिए इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन समझ लीजिए इस फंड से रिलेटेड। यह जो 1,00,000 करोड़ रुपये का फंड दिया गया है, कोई फाइनेंशियल ईयर 2020 या 21 के लिए सिर्फ नहीं दिया गया है, इस फंड का इस्तेमाल 4 सालों तक के लिए किया जाएगा। 4 सालों में पहले साल जो है 10,000 करोड़ रुपए का इस्तेमाल किया जाएगा, उसके बाद 30,000 करोड़ रुपए का इस्तेमाल जो है आगामी 3 सालों में किया जाएगा, और बाकी जो 60,000 बच गया उसका इस्तेमाल भी बीच बीच में किया जाएगा। और इसे किसानों को लोन दिया जाएगा, प्राइवेट बैंक की मदद से भी दिया जाएगा, नाबार्ड की मदद से भी दिया जाएगा, और सहकारी बैंकों की मदद से भी दिया जाएगा, जिससे किसान जो है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट कर सकें, किसानों का डेवलपमेंट हो सके, और जो सरकार ने टारगेट रखा है 2022 तक किसानों की आमदनी बढ़ सके उस पर भी काम किया जा सके। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत में सरकार चाहती है कि एग्रीकल्चर सेक्टर का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो, इसीलिए 1,00,000 करोड़ रुपए का फंड जो है इस कोर्स में डाला गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, आप लोग नोट कर लीजिएगा, काम आ सकता है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंडिया यूरोपियन यूनियन सबमिट यानी कि 15th सबमिट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऑर्गेनाइज होने वाला है 15 जुलाई को ही। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखने की ज़रूरत ही है, इंटरलिंक भी हो रहा है तो आपको बहुत आसान तरीके से याद हो जाएगा। 15 जुलाई को ऑर्गेनाइज होने वाला है यह सबमिट, और 15th सबमिट होने वाला है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इंडिया और यूरोपीय यूनियन का 15th सबमिट ऑर्गेनाइज होने वाला है 15 जुलाई को, जो कि 15th सबमिट होगा। इस मीटिंग में यूरोपीय यूनियन के प्रेसिडेंट चार्ल्स मिशेल होने वाले हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रहेंगे, और इसके अलावा यूरोपीय यूनियन कमीशन के जो प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन, ये होने वाले हैं। इन तीनों के बीच में यह मीटिंग होने वाली है। यह जो सबमिट है बहुत इंपॉर्टेंट सबमिट होने वाला है, क्योंकि इसमें बात होने वाली है आपकी सिक्योरिटी, क्लाइमेट, एनवायरमेंट, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, इसके अलावा यहाँ पर आप डिजिटल इकोनॉमी देख लो या फिर कनेक्टिविटी देख लो, इसके अलावा कोविड पे जिस प्रकार से जो भी सिचुएशंस हैं वर्ल्ड में, जिस प्रकार से इकोनॉमी का सिचुएशंस है, इन सारे इशूज़ पे यहाँ पर डिस्कस होने वाला है। एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी डिस्कस होने वाला है, WHO और यूनाइटेड नेशन में अमेरिका का जिस प्रकार से रुख है उस पर भी यहाँ पर बहुत बड़ा डिस्कशन होने वाला है। तो जो यूरोपीय यूनियन और इंडिया का जो ये सबमिट होने वाला है, मस्ट इम्पॉर्टेंट सबमिट होने वाला है, सबकी नज़र है इस पर, तो हमारी भी नज़र है, देखते हैं कि आने वाले समय में जिस प्रकार से सबमिट होगी क्या क्या रिजल्ट्स निकल कर आते हैं इस सबमिट से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इंडिया और यूरोपीय यूनियन ये चाहता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन में मल्टीलेटरल पावर हो, ताकि किसी एक का वर्चस्व ना हो, और एक का वर्चस्व होता है तो वही होता है जिस प्रकार से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अमेरिका के बाहर निकलने से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पर फर्क पड़ने वाला है। तो मल्टीलेटरल पावर की बात यहाँ पर यूरोपीय यूनियन भी करता है और भारत भी करता है, तो इस मुद्दे पर भी बातचीत होने वाली है। यहाँ पर आगे हम बात करते हैं भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन यानी कि इंडिया यूरोपीय यूनियन
सबमिट के बारे में यहाँ पर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे लेते हैं। जैसे हमने 15वां सम्मेलन का बात किया, वो कब होने वाला है, 15 जुलाई को होने वाला है। 14वां कब हुआ था, 6 अक्टूबर 2017 को हुआ था। ये 14वां सम्मेलन कहाँ हुआ था, आपका नई दिल्ली में, यानी कि न्यू दिल्ली में हुआ था। हर साल नहीं होता है, ये 15 सबमिट है। इससे पहले 14 सबमिट 2017 में हुआ था न्यू दिल्ली में, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। यूरोपीय यूनियन और इंडिया का आप यहाँ पर वैल्यू इस प्रकार से लगा सकते हो कि इनका जो ट्रेड होता है और इनका जो इन्वेस्टमेंट दोनों का है, या फिर दोनों का जो भी बिजनेस है, 2016 के एक रिपोर्ट के अनुसार 88 अरब अमेरिकी डॉलर का ट्रेड दोनों के बीच में होता है। और सबसे पहला सबमिट दोनों के बीच में जो हुआ था, वो हुआ था 28 जून 2000 को, कहाँ, लिस्बन में। तो पहला सबमिट कहाँ हुआ था, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और इंडिया यूरोपियन यूनियन सबमिट के बारे में भी बेसिक जानकारी आप लोग ध्यान में रखिएगा। यूरोपीय यूनियन क्या है, इसके बारे में आप लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। एक वीडियो में मैं यूरोपीय यूनियन का पूरा डिटेल आपको पढ़ा दूंगा। फिलहाल ये यूरोपीय यूनियन का मैप है आप लोगों के सामने। आप लोगों को पता है कि यूरोपीय यूनियन में टोटल 28 कंट्रीज़ हुआ करते थे, जिसके बाद ब्रेग्जिट हुआ, यानी कि ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन से बाहर हो गया। उसके बाद यूरोपीय यूनियन में 27 मेंबर रह गए। ये पूरा मैप आप लोगों के सामने क्लियर है, आप सारा मैप यहाँ पर देख लो कि यूरोपीय यूनियन में कौन कौन से कंट्री हैं, किस प्रकार से हैं। और अगर डिटेल चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यूरोपीय यूनियन पर मैं एक पूरा डिटेल में ब्रीफ में वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। आप लोगों के लिए एक यहाँ पर प्रश्न भी है, इसका जवाब आप लोग नीचे ज़रूर दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कंट्री यूरोपीय यूनियन का सदस्य नहीं है। ये क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। ऑप्शन है एस्टोनिया, यहाँ पर डेनमार्क, स्विट्जरलैंड या फिर माल्टा। इसका जवाब आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट का टॉपिक है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार किया गया है। कल यानी कि 8 जुलाई को कैबिनेट की एक मीटिंग बैठी, उस मीटिंग में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार कर दिया गया। शुरुआत में जब इस योजना को लॉन्च किया गया था, कब किया गया था, मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आगे। तो जब शुरुआत किया गया था तो ये किया गया था 3 महीनों के लिए, क्योंकि लॉकडाउन हुआ था कोविड की वजह से, और जो भी गरीब लोग थे, जो भी बेसहारा लोग थे, उनको प्रॉपर खाना मिल सके, प्रॉपर अनाज मिल सके, इसलिए इस स्कीम को लाया गया था। अब इस स्कीम को बढ़ाकर नवंबर तक के लिए कर दिया गया है, क्योंकि देश में जिस प्रकार से इकोनॉमी की हालत चल रही है, जिस प्रकार से लोगों का जो रोज़गार है वो जा रहा है, मार्केट में जिस प्रकार से अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति बनी हुई है, लोगों के पास में एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इसको देखते हुए सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार कर दिया है और इसको बढ़ाकर नवंबर तक कर दिया है। और इससे लगभग 90,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च सरकार को करना पड़ेगा और ये आत्मनिर्भर भारत का एक हिस्सा होगा। और इसके विस्तार से लगभग 80 करोड़ लोगों को पूरे देश भर में 5 किलो गेहूँ या फिर चावल मुफ्त में मिलेगा इस स्कीम के तहत। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इस स्कीम के बारे में। इस स्कीम के बारे में थोड़ा सा आपको बेसिक नॉलेज अगर ये दिख रहा होगा तो आप लोग देख लीजिएगा। तो अब हम यहाँ पर इस स्कीम की बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत 26 मार्च 2020 को किया गया था। आई थिंक 21 या फिर 22 मार्च को लॉकडाउन किया गया था कोविड की वजह से। उसके बाद ही जिस प्रकार से ये सफ़र कर रहे थे, गरीब मजदूर कर रहे थे, या फिर जो दिहाड़ी मजदूर थे या गरीब लोग जिस प्रकार से सफ़र कर रहे थे, उसके बाद 26 मार्च को इस स्कीम की घोषणा की गई थी और इसके तहत 3 महीने तक 5 किलो चावल या फिर गेहूं देने का मुफ्त में वादा किया गया था या फिर दिया जा रहा था, ठीक है। और उसके बाद अब इसको बढ़ाकर नवंबर तक कर दिया गया है। याद रखिएगा, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, यहाँ से प्रश्न आपका बन सकता है, ठीक। चलिए इसके बाद जो हमारा